देश के सबसे धनवान शख्स में से एक मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। अंबानी परिवार और परिमल परिवार की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि ईशा अंबानी ने 19 सितंबर 2022 को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। मीडिया स्टेटमेंट में जानकारी दी गई है कि ईशा और आनंद परिमल के ट्विंस बेबी हुए हैं और माँ ईशा के साथ उनके दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। ईशा अंबानी के बेटे का नाम कृष्णा और बेटी का नाम आद्या बताया गया है, वे दोनों स्वस्थ हैं। मुकेश और नीता अंबानी के साथ में ईशा अंबानी के पति आनंद परिमल के माता पिता अजय और स्वाति परिमल की ओर से जारी संयुक्त मीडिया स्टेटमेंट में कहा गया है कि उन्हें जुड़वा बच्चों के आगमन की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है और वे सभी की दुआओं और शुभकामनाओं की आकांक्षी हैं। ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फेज है। देश के सबसे बड़े बिजनेस घरानों में से एक अंबानी परिवार और परिमल परिवार के लिए खुशियों की घड़ियां हैं। साल 2018 में ईशा अंबानी की शादी हेल्थ केयर बिजनेस ग्रुप परिमल के मालिक अजय परिमल के बेटे आनंद परिमल से हुई है। उनकी शादी देश के सबसे महंगी शादियों की लिस्ट में शामिल है, जिसमें देश, बॉलीवुड और दुनिया भर की कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई थीं। मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी ईशा अंबानी को हाल ही में रिलायंस रिटेल वेंचर्स का डायरेक्टर बनाया गया है। मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों में ईशा अंबानी सबसे बड़ी हैं। उन्होंने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। वहीं कैलिफोर्निया के सैनफोर्ड से बिजनेस की एमबीए की पढ़ाई की है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल का बिजनेस संभालती हैं। मुकेश अंबानी ने अपने तीनों बच्चों को रिलायंस इंडस्ट्री के अलग अलग कारोबार की बागडोर संभालने का ऐलान किया था, जिसमें ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल की कमान सौंपी गई है। हालांकि वे लंबे समय से ही इस कारोबार को देख रही हैं। ये खबर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मोर इंटरटेनिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।